औरैया जिले में इस समय इजराइल एवं हमास में युद्ध की स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। वहीं मुसलमानों द्वारा जुमे की नमाज को लेकर देश में अमन चैन की दुआओं के साथ अता को जहां पर इजराइल एवं हमास में चल रहे युद्ध को भी एक शांति बनाने की दुआएं मांगी। भाईचारा हमेशा बना रहे, वही देश में हमेशा कोई भी त्योहार हो चाहे हिंदू भाइयों का या मुस्लिम भाइयों का, हमेशा एक दूसरे के साथ रहे है। हमेशा यही दुआ करते हैं, अमन चैन हमारे भाइयों में बना रहे। है आपका सरपंच, आज जो है जुमे की नमाज अदा की है, किस तरीके से और क्या दुआएं रही हैं? पूरे सुकून और खलूस के साथ जुमे की नमाज अदा करी और मुल्क के अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इसमें जो फिलिस्तीन और जो है उसमें हमास में युद्ध हो रहा है, उसके लिए क्या आप लोगों उनके सबके शांति के लिए दुआ करी। आपके द्वारा आज नमाज अदा की कराई गई है, जुमे की नमाज है, किस तरीके से कराई गई, क्या दुआएं? आज आपके द्वारा जुमे की नमाज अदा कराई गई है, किस तरीके से दुआएं की? दुआएं के लिए भैया जो मतलब और इलाकों में जो मतलब विवाद चल रहा है, हम लोग अपने सुकून की दुआ मांग रहे हैं। आप सुकून चाहते हैं, हम लोग आपस में हालात में अवश्य रहें, ये सारी दुनिया के सारे जो दूर हो जाए, हम लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करके अपनी ज़िंदगी को बचाएं। देश के लिए किस तरीके से दुआएं मांगी हैं? देश के लिए किस तरीके से दुआएं मांगी, अपने देश के लिए किस तरीके से दुआएं मांगी? हम लोग आपस में लड़ाई झगड़े फसाद से हर चीज़ से दूर रहें, आपस में अखलाक मोहब्बत बनी रहे, हम लोग हिंदू मुस्लिम आपस में जैसे अभी तक रहते चले आए, कोई भी फसाद, कोई भी झगड़ा, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, चाहे उनका त्यौहार हो या मेरा त्यौहार हो, हम लोग आपस में एक दूसरे उसमें शामिल होते हैं और आराम से अपने सुकून से रहते हैं।